होने ईस्टर्न वाला है आता समझ। था। मैं बहुत मैं खेला कह रहा हूँ अप्रिशिएट एग्रेसिविटी, करो जाके उसको, बहुत अच्छा खेला उसने। ओवर एग्रेशन आपको इस तरह से पनिशमेंट दे सकता है। और वहीं पर डॉलिन एक डिफरेंट एंगल पर जाने की कोशिश करते हुए टीम 52 स्पोर्ट्स के सारे प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन ले ली राष्ट्रीय मैग्नस की तरफ से। यहां से अगर मैग्नस पर जीत जाती है तो मैं इनको बहुत शाबाशी दूंगा, लेकिन व्हाट इज डॉलिन डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग? ड्रॉलिन आई थिंक उनको जगह नहीं मिल रही कहीं पर वो रुक सके, कहीं पर वो पना ले सके, अपने आप को हील कर सके। लेकिन अभी तक ये फाइट चलती हुई आगे उस रिच के पीछे, लेकिन टीएफटी अभी के लिए जान की बख्शिश कर देगी इन दोनों ही टीम्स की। और अब इस फाइट को एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, या तो मैग्नस ईस्पोर्ट्स या तो 52 ईस्पोर्ट्स, इन दोनों में से एक ही बचकर सर्कल में अपनी जगह बनाएगा। और दोनों के ही दोनों दो खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए हमें दिखाई दे रहे, लेकिन छोटू का एंगल कामयाबी से वो नॉक कर पाए टीम मैग्नस ईस्पोर्ट्स के जिब्यान को। हसन हाई ग्राउंड एडवांटेज हासिल है उनके पास, लेकिन मैग्नस ईस्पोर्ट्स के फिनिशर वो कुछ करना चाहते हैं, छोटू के ऊपर अपनी नजरें जमाए हुए, लेकिन एलिमिनेट हो जाएगी टीम मैग्नस ईस्पोर्ट्स इस मैच से। टीम 52 के हाथों तीन ही किल्स आ पाए 52 के बैक पैक में, लेकिन मैग्नस ईस्पोर्ट्स को बहुत बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा है। फिनिशर की पोजीशन देखिए आदि, आप फिनिशर जहां पे मौजूद है possibly पहला नॉक वही देकर जाएंगे, उनके पास तक एलिवेटेड एंगल मौजूद रहेगा, लेकिन उनको यहां से स्पॉट करना है, उनको यहां पर जोकर का अंदाजा लगाना होगा। और वहीं पर गिरने जाएगा हसन का पहला नॉक मैग्नस स्पोर्ट्स के ऊपर जाता हुआ। अब 52 स्पोर्ट्स यहां पर नहीं छोड़ने वाली, मैग्नस स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर की तरफ भी पुश किया जाएगा, उनको भी फिनिश करते हुए छोटू नजर आते हैं। छोटू की तरफ से यहां दो एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जाएंगे, इन सामने से सिग्नल आ जाए छोटू डज नॉट केयर, स्कोपिन करते हैं और इनकी तरफ से रेड डॉट लगाकर उनको फिनिश किया जाता है। प्लेयर नॉक हो जाएंगे, फ्री स्टाइलर आखिरी प्लेयर थे, डैमेज अच्छा खासा उन्होंने पहुंचाया, लेकिन वोल्ट्रक्स एक दफा फिर से एलिमिनेट हो जाते हैं और 52 को रंगे हाथों पकड़ा जाता है। जल्लाद पहले नॉकडाउन हो जाएंगे, खान अब आगे बढ़ते हुए, 52 भी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए, टीम क्वेटी आती हुई, लेकिन मैग्नस ईस्पोर्ट्स थर्ड पार्टी करती हुई। 52 ईस्पोर्ट्स और मैग्नस ईस्पोर्ट्स इस जंग के अंदर टीम क्वेटी भी रगड़ा खाएगी, लेकिन अभी तक के लिए क्वालिटी दे आर सेफ एंड साउंड। टीम मैग्नस ईस्पोर्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से थर्ड पार्टी कर पा रही है और उनके पिछले दो मैचेस जिस तरह से बुरे गए हैं उनको एक अच्छा मैच तो दरकार था। एक हारी हुई टीम जीतना चाहती है जिस तरह आप कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने मैच जब स्टार्ट हुआ था मैंने मुझे लगा था कि शायद 52 स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी करेगी, एंड आई टोल्ड एवरीवन कि शायद 52 स्पोर्ट्स का थर्ड पार्टी कर भी देनी चाहिए, लेकिन ये थर्ड पार्टी उनको महंगी पड़ रही है। मैग्नस आई, एक एलिमिनेशन पॉइंट उठाया, इनफैक्ट एक नॉक निकाला, वापस चली गई, लेकिन 52 स्पोर्ट्स यहां पर एक अपना प्लेयर गवाती हुई नजर आएगी और पुश किया जाएगा पॉप और वुल्वरी की तरफ से। पॉप आगे बढ़ेंगे, डैमेज खाते हुए काफी लो हो जाएंगे, नॉक भी हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉप की तरफ आ जाएगी। वो अपने आप को हील करेंगे, वो अपने प्लेयर को रिवाइव देंगे और छोटू भी अपने आप को हील करते हुए। इस सारी सिचुएशन में 52 स्पोर्ट्स की तरफ से जोकर जैसे वाइटल प्लेयर को गवाया जाता है और अब यहां वो 3v4 सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन इस स्पेसिफिक फाइट की बात करें यहां 3v2 बन जाएगा और अब अपने आप को हील करते हुए बाकी प्लेयर्स ऑफ 52 स्पोर्ट्स उनके प्लेयर काफी एक एलिवेटेड एंगल से आ जाएंगे। पोप ना उन्होंने हील किया, ना उन्होंने रिवाइव दिया, व्हाट इज द स्काई डूइंग, ना उन्होंने किट लगाई, कुछ भी उनके पास शायद मौजूद ही नहीं है, बट रिवाइवल देना चाहिए था। लेकिन मैग्नस एक डिफरेंट साइड से डैमेज देखी और यहां उनको एंगल चेंज करना पड़ जाएगा। छोटू की तरफ से 1v3 क्या जाएगा, क्वालिटी मैच से बाहर हो जाएगी। बना कौन है, छोटू बनाओगा उसके बड़े किस से? मैं फिफ्थ पे आया हूं, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया, मैंने नहीं चेक किया कौन बना है, कौन बना है गाइस, क्या सीन है? छोटू 50 बहुत मस्त खेला है जीजे यार, उससे पहले गेम नहीं था, वो पहले दिन में उसने बहुत मारा, उसने 20 किल किए थे पहले दिन में उसने, छोड़ा गया था हमारे स्टार प्लेयर क्रिप्टो की तरफ से और इस बार उसे सर पे सजाते हुए नजर आएंगे नन अदर देन छोटू। 52 स्पोर्ट्स के छोटू की तरफ से 50 एलिमिनेशंस, आदि 23 पॉइंट्स की लीड ली हुई है इस प्लेयर ने, इनफैक्ट 23 पॉइंट्स की नहीं 27 पॉइंट्स की लीड ली गई है इनकी तरफ से। साउथ एशिया चैंपियनशिप की कैसी आपकी तैयारी है? अरे 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 क्या बात है, क्या बात है, कॉन्फिडेंस को मैं दाद दूंगा यार, कमाल बंदे हो।